Rumi Speaks is brought to you by Easy Paisa. आज PSL के हिसाब से दोनों ही जबरदस्त कड़ाकेदार मुकाबले हुए और तारीफ करनी पड़ेगी सबसे पहले तो AB Villiers और वीजा की, क्योंकि कलंदर्स जो थे वो डाउन एंड आउट थे इंटरवल के टाइम के ऊपर और फिल्म का जैसे कि ड्रॉप सीन हमें पहले से ही पता चल गया, क्योंकि 200 रन का टारगेट सेट किया पहली टीम ने जो कि मुल्तान सुल्तान की थी और विंस और उमर सदीक ने शानदार प्लेटफॉर्म ले किया और विंस की पार हिटिंग ने मिंस बना दिया ऑपोजिशन का और उमर सदीक अच्छे होनहार खिलाड़ी हैं, लेफ्ट हैंडर, उन्होंने भी 50 किया। 200 का बहुत बड़ा हदफ होता है, मगर उसके बाद कहानी बदल गई। इंटरवल के बाद जैसे कि फिल्म दोबारा से स्टार्ट हो गई और एक सेंसेशनल रन चेस था जिसमें कि तारीफ करनी पड़ेगी AB Villiers और वीसा की, क्योंकि विकेट्स गिरी उसके बाद तहमल मिजाजी से खेले AB Villiers, उनको साथी मिल गया वीजा, जिनके पास एक तरह से वीजा था चौके छक्के लगाने का, बहुत ही आला बैटिंग की और उन्होंने प्रेशर जो है अब्सॉर्ब किया, AB Villiers से प्रेशर को उतारा और जब चौके की मांग थी उस वक्त चौका लगाया, जब छक्का लगाना था छक्का लगाया। मगर मेरे हिसाब से जो कैच पैक मोमेंट था इस मैच का वो जुनेद खान का नो बॉल था। एक नो बॉल की वजह से मैच का पासा पलट गया, क्योंकि उस बॉल पे जो है वो वीजा आउट हुए, शुएब मलिक ने जबरदस्त कैच किया मगर नो बॉल था। अगला बॉल जो है वो फ्री हिट मिली और फ्री हिट मिली AB Villiers को, उन्होंने छक्का मार दिया और कहानी जो है वो अपने बस में कर ली। इसलिए कि आखिरी 5 ओवर्स में 70 रन बने और मैच फिसल गया मुल्तान सुल्तान के हाथ से। तारीफ, बेइंतहा तारीफ AB Villiers की, इसलिए कि 360 डिग्री पे खेले और बहुत देर से फैंस PSL में इंतजार कर रहे थे ऐसी AB Villiers की स्पेशल इनिंग्स का और वीजा भी लाजवाब बैटिंग की उन्होंने भी और एक दूसरे को सहारा भी दिया, संभाला भी एक दूसरे को, लंबे छक्के भी लगाए। एंटरटेनिंग इनिंग्स थी और एंटरटेनिंग रन चेस था और मुल्तान सुल्तान जो हैं वो हाथ मसलते रह गए, इसलिए कि मैच हाथ में आया फिर हाथ से निकल गया। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जलमी और यूनाइटेड का मैच भी बहुत ही कांटेदार हुआ, इसलिए कि अगर यूनाइटेड की बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी ना होती, उनके पास रन इतने नहीं थे कि वो जलमी की मार्च को रोक सकते, मगर बॉलिंग पहले तो जलमी की तरफ से ठीक ठाक हुई, इसलिए कि जब आप लिमिट कर दें ऑपोजिशन को 150 के स्कोर के ऊपर या 155 के स्कोर के ऊपर, तो आपको पता है कि मुकाबला आपके हाथ में है, आपकी गिरफ्त में है। और हसन अली और समीन गुल दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हसन अली का लाजवाब PSL जा रहा है अभी तक, और अगर Ian Bell अकल से ना खेलते, क्योंकि विकेट्स बहुत ही गिराई यूनाइटेड ने और बहुत खराब बैटिंग की खासतौर पे लेट मिडल ऑर्डर ने, तो ये मामला बहुत खराब हो सकता था। मगर वो तने तना खड़े रहे, अपना पहला मैच खेल रहे थे वो PSL का और बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने। फिर उसके बाद कहानी शुरू हुई यूनाइटेड के हक में, इसलिए कि बॉलिंग लाजवाब थी और यूनाइटेड ने पिछले साल भी बहुत सारे करामात करके दिखाया, हमें आउट करते हैं ये लोग, विकेट्स लेते हैं, चाहे वो शादाब हो या फहीम हो या समी हो या मूसा अभी अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, अच्छे तीखे तेज बॉलर हैं और अच्छी फाइंड लग रहे हैं, मगर कमाल की बॉलिंग परफॉर्मेंस थी मोहम्मद समी की, उन्होंने हैट्रिक ली, अपनी 7वीं करियर की हैट्रिक। सो कैश बैक मोमेंट मेरे हिसाब से कारण पोलार्ड और डैरन समी की वो विकेट्स, क्योंकि पोलार्ड ऐसे लग रहे थे कि ये मैच हाथ से ले जाएंगे, क्योंकि छक्के लग रहे थे और छक्के नहीं बल्कि अट्ठे थे, स्टेडियम से बाहर उन्होंने गेंद फेंक दिए, वो आउट हुए। उसके बाद डैरन समी आउट हुए, ये दो विकेट्स जो हैं इसने बिल्कुल जो रन चेस था वो जलमी के हिसाब से ठंडा कर दिया और बहुत भरपूर परफॉर्मेंस थी यूनाइटेड की बॉल के साथ, इसलिए कि बॉल जब करते हैं विकेट्स लेते हैं। और फिर फील्डिंग भी लाजवाब थी, बहुत जान थी फील्डिंग में, कैचेस लिए उन्होंने, चौके रोके और कमिटेड नजर आए फील्डर्स और इसी की वजह से जो है वो मैच जीत गए। सोचना पड़ेगा जलमी को, इसलिए कि रन ज़्यादा करने पड़ेंगे और थोड़े से और ज़्यादा इनको जागना पड़ेगा कि जो सेट बैट्समैन है फिर वो मैच जिता के आए। और यूनाइटेड की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि मोहम्मद समी उनको लीड अच्छा कर रहे हैं, खुद हैट्रिक ले रहे हैं, यंगस्टर्स आउट कर रहे हैं, ओवरऑल 5-star performance thi aaj United ki. Share your super fan moments using hashtag EP Fanfare and win rupees 1000 every day.